हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आमिर महक टीवी चैनल। आज के इस टॉपिक में हम बात करने जो जा रहे हैं वो है मॉडल एक्सटिव वर्ब आउट टू के हवाले से। आउट टू क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, सिंपल सी बात, आउट टू को हम शुड की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन शुड में इतना दबाव नहीं होता जितना आउट टू में होता है, और मस्ट जो है वो ज़्यादा दबाव वाला मॉडल एक्सटिव वर्ब है, जिसमें ज़्यादा दबाव, सजेशन, मशवरा, इस तरह की चीज़ें दी जाए की बात की जाती है, लेकिन आउट टू में इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता मस्ट की तरह। आउट टू को इखलाकी दबाव, मशवरा, सजेशन या नसीहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आज आपको कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए, कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, वो है अब आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। मीन्स आप एक सजेशन दे रहे हो, यू आर टू मैरी नाउ, तुम्हें अब शादी कर ही लेनी चाहिए, अखलाकी दबाव या एज तुम्हारी ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू आर टू हेल्प द पुअर, नसीहत है, सजेशन है, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, अखलाकियात है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास एग्ज़ैम्पल है वो है आई आउट टू फोन माई पेरेंट्स, यानी कि मुझे अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर लेना चाहिए या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है, बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जुमला बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है वी आउट टू डू मोर एक्सरसाइज, हमें मज़ीद एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें फिट रहना है, हमें फिटनेस बरकरार रखनी है, तो हमें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मेडिसिन आउट टू बी फ्री, दवाइयाँ फ्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि एक साथ दो मॉडल एक्सटिव वर्ब नहीं आ सकते, हम इस तरह नहीं बना सकते कि मेडिसिन आउट कैन बी फ्री, नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि मेडिसिन आउट टू बी फ्री, ना कि कैन बी फ्री। आमिर आउट टू गेट द प्रमोशन, आमिर को अब प्रमोशन, तरक्की दे ही देनी चाहिए यार, बेचारा काम करते करते थक गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है यू आउट टू हैव हेल्प्ड हिम, अब यहाँ पे आप देखिए कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, अब आउट टू हैव हेल्प्ड हिम माजी की बात हो, ये पार्टिसिपल फॉर्म अब यूज़ हुई है, तो यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब माजी की बात हो तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हैव के साथ। आउट शी कॉल द पुलिस, क्या उसे पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी, ये इंट्रोगेटिव है, इसकी इंट्रोगेटिव की मैंने एग्जांपल दी। अब जो आखिरी सेंटेंस है हमारे पास वो मैंने नेगेटिव बनाया है ताकि आपको नेगेटिव की भी समझ आए कि नेगेटिव इस शेप में या इस सेंस में कैसे बनाया जाता है। तो आपके सामने है सेंटेंस आउट शी कॉल द पुलिस, और नेक्स्ट है यू आउट नॉट टू स्मोक सो मच, तुम्हें बहुत ज़्यादा सिगरेट नहीं पीने चाहिए। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट करिए, कोई चीज़ पूछनी हो, सवाल करना हो, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आमिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़।